ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਨਗੇ। सब तो पहला आप कड़ाही रख ली है जी। कड़ाही दे विच आपां पावांगे घिओ जां तुसीं ऑयल तड़का लाउण वास्ते जिहड़ी चीज़ वरतदे हो। हुण घिओ दे विच आपां पा देंगे थोड़ा जिहा जीरा, जीरे दे नाल ही आपां पा देंगे बरीक कट्टिया होया अदरक। इन्हां दोनों नूं अच्छे तरीके नाल भुन लांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜੀ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਵਧੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। प्याज जो हल्का जहा पिंक हो गया ना, ट्रांसपेरेंट जहा तुहानू लगन लग गया भी भुज गया प्याज, तो उदो आप कुछ मसाले पावांगे। सब तो पहला आप अद्धा चमच पावांगे जी हल्दी का, उस तो बाद आप पावांगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप भी पावांगे मसाले विच भी, तो आप आटे च भी पावांगे। थोड़ी जी लाल मिर्चा, फिर आप गरम मसाला धनिया पाउडर, उस तो बाद थोड़ा जहा चाट मसाला पावांगे। सारे मसाले पा के चंगे तरीके नाल आपां मिक्स कर देंगे। हुण जदों सुके मसाले मिक्स करते, उस तो बाद आपां थोड़ियां जिहियां बरीक कट्टियां हुई हरियां मिर्चां पावांगे जी। जिहड़ी इह स्टफिंग है बण के तैयार होगी, पर आपां स्टफिंग वाले परांठे नहीं बना रहे। इहनूं आपां इक साइड ते ला के कड़ाही नूं इक अलग बर्तन च कढ के ठंडी होण वास्ते रख देंगे। उदों तक आप आटा तैयार करते हैं परांठे बनाने लई। आपां इत्थे कणक दा आटा लैता, एक कौली कणक दा आटा, उस तो बाद अद्धी कौली आपां बेसन दी पावांगे। तुसीं जरूर बेसन ऐड करिओ विच, परांठे बहुत वधिया बणनगे। उस तो बाद आपां चिली फ्लैक्स यानी कि दरदरियां कुटियां हुई सुकियां लाल मिर्चां, अद्धी कौली आपां हरे धनिए दी बरीक कट्टे हुए दी पावांगे। फिर जिहड़ी अपनी स्टफिंग सी उह ठंडी हो चुकी है, वह सारी पा देंगे। इत्थे आपां आटा तैयार करांगे, जदों घोल तैयार करांगे परौंठे बनाउण लई तां हल्का हल्का पानी पा के तैयार करांगे।
ये घोल जिस तरह का मैं थोड़ा इतने बना के दिखाऊंगी जी, तुम सेम उस तरीके का ही तैयार करना। जो थोड़ा जहा भी पतला घोल बन गया तो भी परौंठे सही नहीं बनने, तो जो ज़्यादा गाढ़ा बन गया फिर भी परौंठे सही नहीं बनने। हुण आपां इत्थे वेसण ते आटा पाया गा, इस करके आपां उहदे अनुसार थोड़ी जिहियां मिर्चां ते नमक होर पावांगे, ते फिर आपां विस्कर दी मदद नाल घोल नूं जिहड़ा चंगे तरीके नाल मिक्स कर लांगे। इस तरीके नाल आपां थोड़ा जिहा मिक्स करके एक साइड ते रखांगे। हुण आपां चुल्हे ते रखांगे जी तवा, तवे ते आपां पा देंगे घिओ, तवे नूं चंगे तरीके नाल ग्रीस कर लांगे घिओ नाल। हुण आपां कड़छी भर के इस तरह जिहड़ा घोल बनाया सी परौंठे बनाउण वास्ते उहनूं तवे ते पाता। इत्थे तुसीं ध्यान रखणा वी फ्लेम थोड़ी जी घट रखियो, वी उहने टाइम च जिहड़ा तुसीं इस घोल नूं तवे ते फैला दिओ जिन्ने साइज़ दा तुसीं परौंठा बनाउणा गा। ਜਦੋਂ ਪਰੌਂਠਾ ਉੱਪਰੋਂ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਵੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। तो देखो जी परांठा कितना वधिया तैयार हो रहा है, हल्की हल्की अग ते आपां इहनूं पकावांगे। तकरीबन 5-6 आपां पलटदे होए इस तरीके नाल इहनूं हल्की हल्की अग ते पकाई चलांगे। देखो आपां दूजा परौंठा भी बनावांगे उस तरीके नाल। जदों तुसीं एक परौंठा तैयार करोगे ना दूजा भी, तां घोल नूं चंगे तरीके नाल कड़छी नाल आपां हिला लांगे ते फिर तवे ते फैला देंगे। तुसीं कौली दी भी मदद नाल इहनूं फैला सकदे हो जां कड़छी नाल तुसीं पा सकदे हो। एक कड़छी नाल एक परौंठा बहुत वधिया बन के तैयार हो जूगा। सो इस तरीके नाल जदों तवे नूं छड्डना स्टार्ट करता परौंठे ने, तां तुसीं इहनूं फिर पलट देना है इस तरीके नाल। सो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया उस तरीके नाल तुसीं स्टफिंग नूं आ जिहड़ा तैयार करना है, फिर उस तरीके आटा तैयार करना, उन्ना उन्ना समान पा के फिर ही थोड़े परौंठे परफेक्ट बनगे। इस करके सारे समान का खास ख्याल रखियो, तो वीडियो नूं लंघा के ना देखियो जी, वीडियो नूं पूरा देख के फिर सारी जिहड़ी रैसपी है वो स्टैप बाय स्टैप बनाया करो, फिर भी वधिया रैसपी तैयार हुंदी है जी। तो बाकी तुसीं इस ठंड दे विच ए वाले मूली दे परांठे बना के जरूर इंजॉय करो। जेकर तुसीं पहली बार भी बनाए तां वी तुसीं ए वाले पहलां बनायो तो बहुत वधिया टेस्टी बन के तैयार होणगे। पराठे बन के बिल्कुल तैयार हो गए है जी। मूली वाले पराठे तुम इस तरीके बना के जरूर ट्राई करो घर, तो बहुत सौखा तरीका है, तो बहुत घट समय के बन जाते हैं। बाकी ये भी है नहीं गा भी जो थोड़ा नहीं बनाने आते मूली वाले पराठे औखे लगते हैं बनाने, तो तुम ये परौंठे ट्राई करो, ये तुम पहली बार ही बना लो। जिमें जिमें मैं दसिया तो बस पूरी वीडियो देख के बनाए, कमेंट करके जरूर दस्यो जी ये किमें बने, किमें टेस्ट लग्या थोड़ा।
जरूर दस्यो। तो जे तुहानू ये वाली रेसिपी पसंद आई तो तुसी इस नू वध तों वध शेयर जरूर करियो ते लाइक जरूर करियो जी वीडियो। तो चैनल में इस तरह दीआं यमी यमी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज देखण वास्ते सबसक्राइब कर लियो। आपां मिलांगे नैक्सट वीडियो ना तद तक लई तुहानू सारिआं नू सति श्री अकाल जी। तो देखो जी परौंठे अपने किन्ने वधिया तैयार होए आ। सारे परौंठे बिल्कुल नरम नरम बने हैं ते देखो बिल्कुल भी टुट नहीं रहे। सारे परौंठे सेम इसे तरीके ना बने हैं, बिच्चों भी बहुत वधिया तरीके ना पक्के आ ते सारी स्टफिंग भी इहदे विच बिल्कुल चंगे तरीके ना भरी गई आ। सो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, तुसी जरूर इन्हां नू बना के ट्राई करियो। देखो जी दूजा परौंठा भी मैं तुहानू दिखाउनी आ, बहुत घट्ट टाइम दे विच इह बन के तैयार हो जाणगे।